आप तो ऑनलाइन क्लासे ले रहे हैं तो साथ में मेरी वीडियो भी देख लीजिए जो मैं सारे सब्जेक्ट की डालूँगा और बहुत सारी मोटिवेशनल डालूँगा ओके इसलिए मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो अंत तक जरूर देखिए जिससे जो आप मेरा ये जो टॉपिक है वो आपको आराम समझ में आ जाए और टॉपिक बताने से पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे बेल आइकन जरूर दबा दीजिए जिससे जो मेरी आने वाली अपडेट्स वीडियो है वो आप तक आराम से पहुंच जाए सो so, मेरा टॉपिक है ग्लोब द मॉडल ऑफ द अर्थ ग्लोब द मॉडल ऑफ द अर्थ ऐसा टॉपिक है आपके लिए लेके आया हूँ सो लेट्स वी स्टार्ट बिरा घी दे के शुरू करते हैं हाँ सो so, फ्रेंड्स और मैं बताता हूँ कि ये जो मेरा टॉपिक है क्लास फिफ्थ के लिए है, जो मेरे फ्रेंड्स फिफ्थ में वो ये टॉपिक आराम से देख सकते हैं और अपने एल्डर और यंगर को भी पढ़ा सकते हैं क्योंकि बहुत मज़ेदार टॉपिक है छोटे छोटे बच्चे भी आराम से सीख सकते हैं ओके सो so, पहले हम बात करते हैं कि जो ये हमारा जो मैंने सड़क बनाया है ये हमारा आर टी एच अर्थ है ओके अर्थ फ्रेंड्स इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारा इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड टॉपिक है अब आप सोले होंगे भाई लेटीट्यूड क्या है दो होता है एक तो लॉन्गीट्यूड होता है और एक लेटीट्यूड होता है जो मैंने ये स्लीपिंग लाइन बनाई है ना जो लेटी हुई लाइन बनाई है उसको हम हम लेटीट्यूड बोलते हैं और जो ये मैंने इस लॉन्ग मतलब कि ऊँचा सीधा लंबी जो ये है ये है लोंगी ट्यूड ट्यूड फ्रेंड्स ये अब बिना की शुरू करते इस टॉपिक को कि पहले हम लेटी ट्यूड के बारे में जानते हैं या इसलिए मैंने इधर लिखा है इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड की ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओके अब ये जो चैप्टर है ना इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है जो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ ये इक्वेटर कहलाता है अगर आपने पढ़ चुका है तो बहुत अच्छी बात है वापस से रिवाइज कर लीजिए और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप अभी इसको देख लीजिए और याद कर लीजिए और अंत तक जरूर देखिए ये मैं इसे प्लीज वीडियो बनाता हूँ बस बस लास्ट तक देख लिया बस यही मेरी इच्छा है ठीक है सो जो ये इक्वेटर होता है ये कितना डिग्री होता है ये होता है जीरो डिग्री ओके ठीक है जीरो डिग्री पर होता है फ्रेंड्स ये इक्वेटर का इधर काम क्या होता है ये जो इधर सन है ना हमारी अर्थ के आगे दो होता है दो प्लैनेट्स होता है मरकरी और वीनस इसके बाद हमारी अर्थ आती है और अर्थ में सबसे पहले सन की लाइट किधर पड़ती है कि मतलब सन की लाइट पहले इक्वेटर पे पड़ती है इक्वेटर का अगर हम मीनिंग जाने तो इक्वल इक्वल मतलब इधर भी इक्वल है और इधर भी इक्वल है इक्वल, इक्वल इक्वल करना कि भाई बेटा तुम्हें भी इक्वल देती हूँ मैं और बेटा तुम्हें भी इक्वल दे देती हूँ या फ्रेंड ये ले कोई सा भी नाम जैसे लोहित ये ले तेरा भी इक्वल है तेरा भी हाफ है और मोनू ये भी ले ये भी तेरा हाफ है ये इक्वल इक्वल हो गया तो इसी नाम से इक्वेटर बना है ये जीरो डिग्री पर होता है फिर इसके ऊपर दो ऑल होते हैं मतलब दो लाइन सॉल्व होती है एक दो तीन चार मतलब दो ऊपर दो नीचे ये दोनों जुड़वा भाई होते हैं और ये दोनों जुड़वा भाई होते हैं कुछ समझ में आया कि जो हमारी नॉर्थ पोल पर होती है वो दो टॉपिक होता है एक तो आर्टिक सर्किल और एक टॉपिक ऑफ कैंसर अगर हम मैं आपको बताऊं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कि आप इससे याद करते हैं आपने ट्रॉपिक से ऐसे याद करते हो मैम आज का टॉपिक क्या है इससे आप याद करते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कितना होता है पहले हम ऊपर का ले रहे आर्टिक सर्किल होता है सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री नॉर्थ सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री नॉर्थ और ये जो होता है ना जैसे आप इधर से दो नाम मिल रहे हैं ये एंटार्क्टिक सर्कल होता है और ये दोनों टॉपिक तो ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्लिकॉन टॉपिक ऑफ कैप्लिकॉन ओके सो तो अब टॉपिक ऑफ कैंसर कितना होता है साइड में दिखाई दे रहे होंगी ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ फ्रेंड्स इधर तक तो याद हो गया ना Arctic Circle, Arctic Circle है वापस से रिवाइज कर लेता हैं जिससे ना हो इसीलिए थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ होता है अब इक्वेटर के बाद जो नीचे का होता है वो कौन सा होता है जो पोल में आता है वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्लिकॉन इसको आपको याद करने के लिए कैपली पैनी और कॉर्न दे भाई खाएंगे कैपली पैनी कौन खा रहे हैं तो कैपली कॉर्न कैपली पैन की कौन खा रहा है भाई मजे आ गए सो so, इससे आप ट्रॉपिक ऑफ कैपली कॉर्न याद कर सकते हैं अब जो ये है ये इस ये कितने डिग्री होता है ठीक है डि, कितने डिग्री पर होता है ये ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ साउथ, ये तो नॉर्थ हो गया ये तो नॉर्थ पोल हो गया ये साउथ पोल हो गया ओके okay? इसलिए इधर साउथ हुआ इधर जो ये सेकेंड होता है, है, होता है नीचे का वो होता है एंटार्टिक सर्किल एंटार्टिक सर्किल जो सिक्स एंड हाफ डिग्री साउथ होता है और जो ये लॉन्गी है ये क्या होता है भाई अब बात इधर आती है जो ये लॉन्गीट्यूड होता है पहले इसका जो नॉर्थ पोल होता है वो 90 डिग्री नॉर्थ होता है जो नीचे का होता है वो 90 डिग्री साउथ होता है जैसे इनके नाम थे कि 66 सिक्स एंड हाफ डिग्री नॉर्थ होता है तो इसका नाम लिख दिया आर्टिक सर्कल तो ऐसे इसका क्या नाम रखा है क्या इसका नाम रख दिया टॉपिक ऑफ कैप्लिकॉन ट्रॉपिक ऑफ कैप्लिकॉन जो ट्वेंटी थ्री हाफ डिग्री साउथ होता है तो इनका क्या नाम है इनका नाम है इसका तो नाम है नॉर्थ पोल <laughs> बहुत इजी है ये इम्पोर्टेंट बता लो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट्यूड और लॉन्गिट्यूड और इसका तो आपको पता ही होएगा बोलने से पहले ही पता चल गया होएगा पहले बोल दिया होएगा साउथ पोल फ्रेंड्स बस इतना इतना ही मैं आपको वीडियो में बताया था बेसिक था ये इंपॉर्टेंट था इसलिए गीता एक बार वापस से स्पीड स्पीड से देखता है कि आप भी मेरे साथ बोलना ठीक है ये एक अर्थ है और जो सन की फर्स्ट लेस किधर पड़ती है अर्थ की इक्वेटर पे पड़ती है और इक्वेटर कितनी डिग्री पर होता है जीरो डिग्री पर इक्वेटर होता है और ऊपर दो होते हैं आर्टिक सर्कल वो सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री नॉर्थ होता है फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वेंटी थ्री एंड हाँ डिग्री नॉर्थ होता है फिल्टोर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 एंड हाफ डिग्री साउथ होता है फिर एंटार्क्टिक सर्किल 66 एंड हाफ डिग्री साउथ होता है फिर ऊपर का जो 90 डिग्री नॉर्थ होता है वो नॉर्थ पोल कहलाता है और 90 डिग्री साउथ वो साउथ पोल कहलाता है और ये रहा मेरा टॉपिक और इसको अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए जिससे जो मेरी आने वाली अपडेट्स वीडियो है वो आप तक आराम से सही सलामत पहुंच जाए आराम से और सही सलामत आपके मोबाइल में पहुंच जाए या फिर आपके लैपटॉप में पहुंच जाए सो फ्रेंड बस इतना ही था मेरा टॉपिक ऐसे शिका ग्लोब द मॉडल ऑफ द अर्थ सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरी तरफ से आपको प्लेन पूर्वक हंसी पूर्वक धन्यवाद